तो दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा, एसी एंड एबीसी। आज मैं आया हूँ, एक बहुत ही अच्छी फसल लगाते हैं जिनका नाम है दिनेश भाई। दिनेश भाई काफ़ी पुराने किसान हैं जो कि बहुत ही अच्छे से खेती करते हैं। यहाँ पे इनकी दूसरी फसल लगी हुई थी। दिनेश भाई नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। ये बताएं दिनेश भाई कि इसमें ये अभी जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आपका खेत खाली हो चुका है, इसमें पहले क्या लगाए थे आप? इसमें लगाए थे धनिया। धनिया लगाए थे? धनिया लगाने के बाद में क्या लगाए थे? धनिया लगाने के बाद मूली लगा दिया था। अच्छा, इतने में ही मूली लगा दिए? मूली लगा दिया। वाह, मूली अभी मूली निकाल दिया हूँ। जी जी। तो जैसा कि दिनेश भाई, अभी साग कितने दिन में रेडी हो जाएगा आपका? साग हमारा 2 महीने में रेडी हो जाएगा। यानी लगाने के 2 महीने के बाद में साग आप काट के उसको सेल कर देंगे। उसके बाद में क्या लगाएंगे इसमें? उसके बाद फिर गोभी की तैयारी कर देंगे। तो दोस्तों ये हैं दिनेश भाई, इनका आप देख पाएंगे जहाँ तक की खेत में दिखा सकता हूँ, वहाँ तक जो वो लास्ट वाला दिख रहा है वहाँ से यहाँ तक का खेत है इनका। बहुत ही अच्छा इसमें उत्पादन लेते हैं इतने खेतों से। ये हमेशा साल भर में अच्छी कमाई करते हैं। अभी मैं इनसे जानूंगा कि सर कितना कमाई कर लेते होंगे समथिंग। अभी मैं जिस चीज़ के लिए आया था दोस्तों वो है भिंडी इनकी, जो कि मैं दिखाने वाला हूं आपको। बहुत ही अच्छी भिंडी है और बहुत ही अच्छा लाभ कमा रहे हैं। तो मैं चलता हूं इनके खेत में, जानेंगे। तो दिनेश भाई ये बताएं कि आपकी भिंडी किस वैरायटी की है? सर ये अरका है। अरका अरका करके अरका है करके। दोस्तों गांव में भले ही किसान कम पढ़े लिखे हों पर उनको थोड़ा बहुत तो आइडिया होता ही है, क्यों दिनेश भाई? हाँ सर, वो तो है। अपने बचपन से मैं खेती किया, मेरा बाप भी खेती कर रहा था, अभी है। जी जी जी। अभी वो नेपाल में है। जी जी। खेती वहाँ खेती बहुत लिया वहीं पे जी, मगर वो उनका दिया हुआ मतलब है हाथ में, कुछ वही लोग करते हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो दिनेश भाई ये बताएं कि आपकी फसल बहुत ही अच्छी है जी, इसमें कौन सी खाद यूज करते हैं, कौन सा उर्वरक डालते हैं, जरा उसके बारे में बताएं। जैसे आप बाहरी खाद तो हम डालते नहीं हैं। अच्छा। घर में एक दो भैंस है। जी जी। उसका गोबर जी, और हमारे यहाँ आसपास में फार्म है। जी जी। फार्म का भूसी रहता है नीचे। हाँ हाँ। वही सब हम लोग डालते हैं, बाहर का खाद बहुत कम डालते हैं। तो दोस्तों जैसा कि अभी दिनेश भाई ने बताया कि हम अपने खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरक का बहुत ही कम यूज करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं इस समय ये केवल देसी खाद को। तो दोस्तों ऐसी भिंडी या इनकी जितनी भी फसलें होती हैं, शायद जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आपकी जितनी भी फसलें होती होंगी उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा गोबर की सड़ी हुई खाद। गोबर का, क्योंकि हम हमारे पास भैंस वैंस है। हाँ। तो गोबर और ये अपना मुर्गी का फार्म का ये सब डालते हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे किसान हैं, क्योंकि आज के ज़माने में जबकि खाद का बहुत, उर्वरक का बहुत ही ज़्यादा चलन है, उस टाइम पे भी दिनेश भाई केवल गोबर की सड़ी हुई खाद और उस पे भरोसा करते हैं। और इनका फसल जो है आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन इनका फसल है। उधर आपने भैंस के लिए अपने जो है चरी लगा रखी है। तो दिनेश भाई ये बताएं कि जैसे हर एक फसलों में कीट तो बहुत ज़्यादा लगते हैं, उनकी बीमारियां भी बहुत ज़्यादा होती हैं, सर ये बताएं कि आप अपने खेतों में कौन सा केमिकल यूज करते हैं? सर वो मैं केमिकल तो यूज ही नहीं करता हूँ। पहली बात जो बाहर की दुकानें की जरूरत रहती है। जी जी। सब बहुत कम यूज करता हूँ। अरे वाह। मैं अपना यही यूज करता हूँ, जैसा बताया कि मैं ये सब गोबर उबर डालता हूँ। जी जी। और जैसा कीटाणु के लिए है जी, तो इसमें देख सकते हैं एक भी कीटाणु तुमको चला के नहीं। नहीं नहीं, बहुत सही सर, बहुत सही। हमने देखा कि इसमें कहीं भी कोई भी कीड़ा नहीं नजर आ रहा है हमें। तो दिनेश भाई ये बताएं कि कीटनाशक के लिए आप क्या यूज करते हैं इसमें? कीटनाशक के लिए सर मैं यही यूज करता हूँ, जो अपना नीम का होता है। हाँ। नीम का फल। जी जी। उसी को मैं मतलब उबाल के। हाँ। और जो आगे का डंठल होता है उसका पत्ता उबाल के रख लेते हैं। अच्छा, जो मतलब आगे यानी कल्ले का। हाँ 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 हाँ। वो कल्ले का उबाल के रख लेते हैं। जी। मैं 10 लीटर पानी में जी उसको डुबा के और पूरा पका दिया। अच्छा। पकाने के बाद हमारे पास बचा 1 लीटर। 1 लीटर पानी। 1 लीटर बचा तो 1 लीटर को रख लेते हैं। जी। रखने के बाद जैसा हमारा रख के रखते हैं, जब भी एक माप रखे अपने पास। जी। माप। जी। जब भी वो माप हमारा ऐसा हो जाता है कि मतलब हमको डालना है दवा। जी। तो वो दवा उठा के मैं एक माप वैसा अंजाद के रखे हैं, डब्बे में डालते हैं, उस माप को डब्बे में डाल के जी छिड़काव कर देते हैं। मतलब दोस्तों इनके कहने का मतलब ये है कि इनका एक माप है जिस माप को एक टाँकी में सिर्फ
उतना ही डाला जाता है, उसके हिसाब से अपना छिड़काव कर लेते हैं। तो दोस्तों ये पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि इनका जो खेती है वो किसी भी तरह से ज़रा सा भी ये कोई भी केमिकल या खा उर्वरक का प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ केवल ये कार्बनिक खादों पर अपनी फसल को उगाते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है, ऐसे किसान बहुत ही कम मिलते हैं दोस्तों, और ऐसी फसल भी बहुत कम मिलती है, ऐसी सब्जियां भी बहुत कम मिलती हैं जो कि इस तरीके से उगाई जाती हों। बहुत ही अच्छे किसान हैं। तो सर ये बताएं कि अब ये सारी बातें हो चुकी हैं, अब ये बताएं कि इसमें से प्रोडक्शन यानी कितना उत्पादन लेते हैं आप पर डे का? या हमारे पास एक बीघा है। जी जी जी। एक बीघा में हमको 70 से 80 किलो जी एक दिन छोड़ के दूसरे दिन जी मैं निकालता हूँ। जैसे आज तोड़ लिया तो कल नहीं तोड़ूंगा, परसों हमको तोड़ना ही तोड़ना है, परसों तोड़ना है, परसों तोड़ना है। हाँ सर, तो यही है कि जो अपना तोड़ते हैं जब भी, मतलब जो यहाँ के बड़े बड़े लोग हैं, जागरूक लोग, मतलब जी जी जी, जैसा उनको पता है कि खेती ये कैसे करते हैं जी, कि मतलब बाहर का ये नहीं यूज करते हैं। बिल्कुल सर, हिसाब से मैं थोड़ा यहाँ से फेमस हूँ, यहाँ से हमारे यहीं ऐसा ही बिक जाता है। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, इनका प्रचार है, प्रसार है, इस कारण से इनकी जो भी फसलें होती हैं, जो भी ये पैदा करते हैं, वो जागरूक लोग जिनको पता है कि यहाँ पे ऐसे खेती होती है बिना उर्वरक और बिना कीटनाशक के, वो लोग यहाँ से आ करके इनसे फसल सब्जियाँ लेके जाते हैं। इनके पास काफ़ी ये, अब हम जानेंगे इनसे कि क्या क्या सर आप अपने खेतों में लगाते हैं उसके बारे में। अच्छा सर, एक बात और हम पूछना चाहेंगे, इसमें से प्रोडक्शन यानी कितना निकलता होगा आपके यहाँ एक बीघे में? 70 से 80 किलो निकालता हूँ मैं एक दिन छोड़ के दूसरे दिन। यानी एक दिन छोड़ के दूसरे दिन 70 से 80 केजी आप निकालते हैं? तो सर ये बताएं कि इस आपकी भिंडी सेल कैसे होती, कितने रुपए केजी? मेरा जैसा क्या है, जैसा बाजार में हमारा 20 रुपए में बिकता है जी, अगर बाजार की जो बाहर की भिंडी लेते हो 20 रुपए में बिकती है जी जी जी, तो हमारी ये भिंडी 40 रुपए में बिकती है। अच्छा सर, हाँ, क्योंकि ऐसे जो गाँव के छोटे छोटे लोग हैं वो तो बाजार पे ही जाते हैं, बिल्कुल, मगर बाजार वाले हमारे यहाँ खुद खरीदने आते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो दिनेश भाई ये बताएं सर, आपसे मिलकर मुझे इतना मज़ा आया, क्या बताएं, बहुत ही अच्छा लगा, मुझे भी 2 किलो भिंडी चाहिए। जी सर, ये बताएं कि जैसे कि आपने अभी भिंडी बताया जी, भिंडी के अलावा भी आप क्या क्या लगाते हैं? देखिए सर, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि ये चीज़ मैं नहीं तैयार करता हूँ। अच्छा, जैसा हमारा समय है कि समय ये चीज़ का आया जी, जैसा जिस समय पे जो चीज़ बोना चाहिए जी, वो चीज़ जो हमारे दिल में आता है बोता रहता हूँ कि हमारा सब्जी, हरी सब्जी तैयार करता है, मतलब कंटिन्यू चलता रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है। कभी जैसा पता लगता है कि अब बाजार में मूली नहीं है, मगर कोई आ जाएगा तो हमारे पास मूली है, मूली उपलब्ध रहती है, उपलब्ध रहती है। जैसा ये नहीं है कि नहीं अभी खेत का निकाल दिया, मगर जो ऐसा खेती है थोड़ा जी, उसमें मैं लगा के अपने लिए लगाया हूँ, और कोई आ गया बड़े लोग, भैया मूली चाहिए दे दो ना, 2 मूली जी, जी, तो ले जाते हैं कुछ। तो दोस्तों ये दिनेश भाई का पुश्तैनी काम है, क्योंकि पिताजी भी इनके यही फार्मिंग ही करते थे, खेती बाड़ी ही करते थे, इनके पास खुद की बहुत सारी बीज की नस्लें हैं, है ना सर? जी सर, काफ़ी मतलब हाँ। तो इनके पास सर गोभी और सारी हर एक चीज़, अब जैसा उगाते हैं तो उसको मैं ऐसा रख लेते हैं, थोड़ा छोड़ देते हैं बीज के लिए। अच्छा हाँ। बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों ऐसी ही जानकारियों के लिए मेरा चैनल बना हुआ है, मैंने बनाया हुआ है, कि गांव में काफ़ी प्रकार के लोग होते हैं, बहुत ही अच्छे लोग होते हैं जिनको लोग नहीं जानते हैं, मैं इन्हीं लोगों के लिए अपना वीडियो बनाया हूँ। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।